ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 24 जुलाई को मुंब्रा के दरगाह रोड के सामने तमन्ना ट्रेडिंग की दुकान में काम करने वाली गिरिजेश 35 वर्षीय की हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और 1.5 लाख रुपए और चेक और कई जरूरी कागजातों की चोरी हो गई थी। इस दुकान का शटर हमेशा खुला रहता था और खुले रहने की वजह से चोरी की घटना और हत्या हुई, मगर हत्या के बाद ही मुंब्रा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी की मदद ली, जिसमें आरोपी साफ दुकान में जाते हुए दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी और गुप्त जानकारी पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। आरोपी का नाम मोहम्मद उस्मान गनी अब्दुल समर 20 वर्षीय है। जानकारी दी गई है कि चोरी करने के दौरान दुकान में काम करने वाले गिरिजेश ने चोरी का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी उस्मान और गिरिजेश में झड़प हुई। उसी दौरान पास में रखे हथौड़े से उस्मान ने गिरिजेश के सिर पर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। आरोपी मोहम्मद उस्मान गनी तलोजा का रहने वाला है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में ठाणे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे, पुलिस निरीक्षक रणवीर बयास, सह पुलिस निरीक्षक अविराज कुराडे, पुलिस उप निरीक्षक कैलाश सोनावने, दत्तात्रेय सरक, अबू तालिब शेख, शिवाजी गायकवाड़, आनंद भिलारे, किशोर भामरे, दत्ता साहब पाटिल, रिजवान सैयद, अमोल देसाई, विकी कांबले, राहुल पवार, इन लोगों ने आरोपी को मुंब्रा से गिरफ्तार किया है। मुंब्रा में 24 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जो एक शॉप का एक शटर खुला था और शटर के अंदर एक आदमी घुस गया और वो चोरी करने के हेतु से अंदर गया था। जब उस शॉप के अंदर एक आदमी सोया था, उसको देखा कि अपने शॉप के अंदर कोई तो भी आया है, तो उसने उसको पूछताछ किया तो उनके बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़े के बीच में उसने जो दुकान में हथौड़ा पड़ा था वो हथौड़े से उसको मार दिया था और वहाँ से भाग गया था। लेकिन अपनी जो टीम है एसीपी गोई साहब और उनके टीम जो यूनिट वन के हमारे ठाकुर साहब हैं, बहस साहब हैं, कुराड़े साहब हैं, उन्होंने पूरा उसके ऊपर फोकस लगाया था और कल रात को अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो आने वाला है, तो रात को 12:30 बजे अपन ने मुंबई से उसको पकड़ लिया। आपको बता दें कि जो हत्या हुई थी दिल दहला देने वाली हत्या थी। इस हत्या में 20 वर्षीय आरोपी उस्मान ने हथौड़े से हत्या की थी। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर आईपीसी की धारा 302-460 के तहत मामला दर्ज किया है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।